देवघर के टावर चौक के समीप सिविल सर्जन कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान के दौरान सड़क पर गुजरने वाले लोगों को रोककर इस संबंध में जानकारी दी गई। सिविल सर्जन कृष्ण कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पूरे राज्य में यह जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में देवघर शहर में लोगों को इस संदर्भ में जानकारी दी जा रही है ताकि भ्रूण हत्या जैसी अपराध को रोका जा सके। वहीं इस क्रम में जिले के अल्ट्रासाउंड नर्सिंग होम और क्लिनिकों में भी जांच करने की बात कही गई ताकि पता चल सके कि कोई क्लिनिक वाले इस तरह का अपराध तो नहीं कर रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं शहर में और पूरे झारखंड में कार्यक्रम चल रहा है। जो भ्रूण हत्या हो रही है अब इसी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए जागरूकता है, इसमें हम लोग अब जितना अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है उसका भी निरीक्षण करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किसी में अगर कुछ लिंग अनुपात घटाने का वो डायग्नोसिस कर रहे हैं कि वो मैंने लड़की है लड़का है इसका लिंग भेद करते हैं और उसका एबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात कानूनी अपराध है तो उसका तरह तरह का क्राइटेरिया है। उसके लिए हम लोग जागरूकता ला रहे हैं कि बच्ची पर ध्यान देना है क्योंकि अनुपात भी भाई सब बहुत ज़्यादा घट गया है। 1000 में 927 जो है सो अनुपात हो गया। अगर लड़का 1000 है तो लड़की 927 ही बच रहा है और राजस्थान में हम तो और बहुत ज़्यादा कम है तो इसके लिए हम लोग का अनुपात गड़बड़ होगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा और भेदभाव लड़की को घर में भी ना करे समाज ना करे किसी भी स्थान पे ना हो इसके लिए हम लोग जागरूकता ला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसमें बहुत सा कार्यक्रम है, हम चूँकि मेडिकल से रिलेटेड देखना है पार्ट तो हमें मेन नर्सिंग होम अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सीटी स्कैन वगैरह में जो भी है उसके हम लोग निगरानी करेंगे और हम लोगों ने कमेटी बनाया है और उसका हम निरीक्षण करेंगे। ठीक।